सो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, समीर भाई मेरे को धोखा दे देता है और आयुषी को खुद सेट कर लेता है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। जब लड़की भी उसको पसंद करती है तो भाई मैं पीछे हट जाता हूँ, पर मेरे जो दोस्त होते हैं वो पूरा ट्राई करते हैं कि किसी तरह समीर और आयुषी का ब्रेकअप करवा दें, बट वो भी फेल हो जाते हैं। तो एट दी एंड हम लोग आस छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, वो उसके साथ खुश है तो उसके साथ खुश रहने देते हैं। उसके बाद स्कूल में एंट्री होती है रश्मि की, जो कि मेरी पुरानी दोस्त निकलती है। तो अब देखो भाई आगे क्या होता है। अबे तू यहाँ कैसे आ गई यार? अपने पैरों से। पैरों से? अरे पैरों से नहीं, मेरा मतलब यार तू कहाँ एमएटी स्कूल की टॉपर और कहाँ तू स्कूल में, क्या नाम है स्कूल का, मेगा इंटरनेशनल स्कूल में, मतलब समझ रही क्या कह रहा हूँ मैं? यार कह तो तू सही रहा है, मगर मेरे पापा ने ना 17 किले जमीन ले ली और एक फार्म हाउस भी ले लिया, फिर हम यहीं शिफ्ट हो गए और मैं आ गई इधर। बहुत मोटा पैसा है ना तुम पे यार, तुम ना टाइम पे गांव से निकल के सेक्टर में चले गए होगे, तुम्हारी लाइफ सेट कर रखी है तुम्हारे पापा ने, कुछ भी कहो। अब ऐसे ही बातें करता रहेगा या स्कूल और दोस्त भी दिखाएगा? अरे मेरे साथ साथ तेरा भी तो स्कूल है यार, आ जा तेरे को मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये है मेरा दोस्त दीपक जो कभी नहीं जलता, ये मेरा दोस्त लक्ष्य है जो अपने लक्ष्य के पास कभी नहीं पहुंच पाता। गाइज हद में है ना। अब अगले दोस्तों से मिलवाता हूँ, ये देखो ये है अर्चित। अब अर्चित के नाम का मतलब मेरे को नहीं पता, पर ये बेचारा ना देख नहीं सकता यार, पर वैसे इसे सब चीज दिखती है। क्या हाल है अल्विश भाई, बहरा थोड़ी है तू, आगे चलते हैं। अच्छा भाई मैं ना कुछ स्पेशल लोगों से मिलवाना चाहता हूँ यार तेरे को, बहुत ज्यादा स्पेशल लोगों से, आ जा। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये है मेरी जस्ट फ्रेंड जस्ट फ्रेंड, और ये है इसका बॉयफ्रेंड समीर, मेरा जिगरी, मेरा खास, मेरा हाँ, यही तेरे खास है, हमका तेरे खास है, बिल्कुल खास बना ले, इनते रिश्तेदारी जोड़ लेना तू। हमारे बारे में ना बताएगा, हमारे मास्टर जी आए हैं, मास्टर जी के बारे में तो बता दूं, ये है जो मास्टर, ये बेसिकली हमारे स्कूल का सबसे सबसे बदतमीज मास्टर है। ओ मैंने कहा बदतमीजी करती तेरी गल राम प्यारी के, सुन छोरी ये ना बताएंगे तो कुछ भी मेरे बारे में, मैं खुद बताऊंगा। आई एम फिजिकल टीचर, सबको फेवरेट, मो बस बालकन पता एक चीज चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म, रेड कलर नॉट अलाउड माय स्कूल। पर कहां है रेड? बताऊं? बताऊं? कहीं ना, कहीं ना, क्यों बताना है, कहीं ना है रेड। और तू जा क्लास में, जा क्लास में जा। अरे सर माना आप अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, आपकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा बदतमीज है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप नीच हरकतों पे उतर आओगे यार। ओ मैंने कहा नीच हरकत कर दी, नीच हरकत करके बताऊं, करके बताऊं तेरी गैल है, ये बुद्धि घूमगी ना दुनिया कोडी कर दूंगा, ठीक है गैल मैं तो भी है, उछड़ तो डोला का उछड़ तो मल्लम लगा दू तेरे, मल्लम मैं मल्लम लगा दू है, निकट जाए यहाँ तेरी मम्मी दोरे फोन करके ना अभी बेटा बताऊंगा तो ये देख इसकी मम्मी की फोटो दिखाऊंगा। अरे ओ मम्मी वाले जोक्स बाद में मारे, नू बात बता यार, तेरा एक छोरी था ब्रेकअप हुआ तेने, दूसरी छोरी भी गैल गैल पटा ली के। भाई ब्रेकअप तो उससे मेरा जब होगा ना, जब मेरी उससे सेटिंग होगी, जब सेटिंग ही नहीं हो तो ब्रेकअप कैसे हुआ यार। अबे भाई ये तो री तेरी गर्लफ्रेंड, यही तो पटाई है तूने। अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, लड़का लड़की साथ में खड़े हो इसका मतलब ये थोड़ी ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पुरानी दोस्त है मेरी। पर दोस्ती तो याद है, चाहे कुछ भी हो तो मेरे दोस्त सदा मेरे ऊपर रहेंगे, कुछ भी हो जाए ना एक बार आवाज मार दो अपने भाई को, पहली आवाज में आ जाऊंगा, पहली आवाज में, ठीक है। एल्विश एक बार आइयो यार। मी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओ एल्विश ओए, अबे सुन तो ले। ना जाने क्यों ये रास्ते खो गए, मंजिल दूर है, सारी हौसले चूर है, उम्मीद भी। यार हटना क्या, बस तुम्हें करके दिखा। मम्मी चाली तोड़ती, मैंने कहा बदतमीजी करती तेरी गल तेजपाल किया, मैं बताऊं बदतमीजी क्या रहे, करूं 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 तेरी गल बदतमीजी। सर अब दिन पर दिन कुछ ज्यादा बदमाश नहीं होते जा रहे? ओ बदमाश तो होंगे ना, सुबह सुबह 2 चम्मच घी खाकर 3 किलोमीटर की रेस लगाता हूँ और 3 टाइम खाता हूँ सिलाजीत। अरे हम बदमाश नहीं होंगे और तू होगी क्या? मैंने तुझे बोला था ना रेड कलर नॉट अलाउड माय स्कूल। रेड है कहाँ बताऊं? रेड हैंग की है, मैंने कही ना तो लाल रंग ते नफरत है मोय। सब सांड हो क्या? बालक भी नु कह रहे सांड हो, मेरी घरवाली भी नु कह सांड हो, तुम सब की कोई साजिश तो ना हो सांड साबित करने की। सर मुझे माफ करो, ऐसी मेरी घरवाली क्या है, लेकिन मैं माफ नहीं करता। आपके पैर पकड़ोगे सर? अरे नहीं यार पैर नहीं, पैर तो थोड़ा सा ऊपर, मतलब मेरे दिल में जी गया तुम्हारी, जाओ माफ करो, यहीं के मैं अपने दौर रखूं, जा जा जाल, enjoy for life, enjoy कर enjoy, और मैं भी थोड़ी enjoy करूं, इंग्लिश वाली मैडम ना आम को चार गैल रोटी लाई होगी उलहेड़ दूंगा। अरे यार
आयुषी क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं हुआ यार। यार बता, देख मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तू मेरे को इग्नोर करने लग गई है। क्यों कर रही है यार, ऐसा मत करना। देख हम सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमें सिर्फ बात करने की जरूरत है, हर चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है। आयुषी प्लीज बोल। बताऊं तुझे क्या हो गया है? स्कूल के बच्चों से जाके पूछ क्या हो गया है? तेरे साथ साथ मेरा भी मजाक बना के रखे 2.5 इंच के ऊपर। What? नहीं 2.5 इंच क्या बात कर, पूरे स्कूल को पता है? पूरे स्कूल को छोड़, उस अर्चित तक को पता है जो देख नहीं सकता। मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी। मैं आ तो जाना, मुझे भी नहीं करनी तुझसे बात। तू नहीं तो कोई और से ही, तेरी ऐसी होगी कमी नहीं। काश कोई मिल जाए, थक चुका हूँ मैं टू टू के पे पे के पाक मेगा इंटरनेशनल की गर्ल्स। रश्मि क्या दिक्कत है तुझे? मेरे ना यार पेट में दर्द है, तेरे पास गैस की गोली है? मतलब मुझे क्या दिक्कत होगी, तू बता तुझे क्या दिक्कत है। देख एलविश ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छी बात है। और वो मेरे साथ बहुत खुश है। ये भी अच्छी बात है। तो तू दूर रह उससे। ये गलत बात है। देख तू ना चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बात ना अपने दिमाग में ना बैठा ले, तू चाहे उसके जितने भी क्लोज आ जाए, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं रहूंगी, समझी? अरे क्या समझाने की बातचीत चल रही है, हमें भी समझा दो यार थोड़ा सा। एकदम सही टाइम पे एलविश, ये ना कुछ कह रही थी, तो एक काम करना डायरेक्ट बोल दे। मैं तो बस इतना बोल रही थी कि यार तू बहुत अलग अलग रहने लग गया है, जब से नए दोस्त बने हैं तो क्या उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करता रहेगा? हमें तो तू भूल ही गया, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर। यार देख तू ना मेरी जस्ट फ्रेंड है, और जस्ट फ्रेंड को जितना भाव देना चाहिए मेरे हिसाब से मैं तेरे को उतना दे रहा हूँ, तेरे को ज्यादा भाव चाहिएगा? ओए क्या लेने देने की बात चल रही है, हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा योगदान कर देंगे। और राम प्यारी तू सुन, जो भी करे ना वो तो पूछ कर करियो। अब ये दोनों छोरी नू सोच रही होंगी कि गुरुजी ने यही तक ये हम तक ना कही कुछ भी, तो इनते भी कह दूं चलो क्लास में। डीलिंग चल रही है यहां स्कूल की धर्मशाला मचा रखी है, चल है ना? सूखी पड़िया पता ना ध्यान कहां रहे तेरा, चाय पिए कर। सर एक बात बताऊं आपको, स्कूल के ना बाहर मत मिल जाना मुझे, ठीक है ना? मैं तो यही रहूं ना, रात को चौकीदारी करूं मैं क्यों बाहर जाऊंगा? हम पागल है ना, डॉक्टर भी हूं, कर दूं इलाज, कर दूं, निकट जा परे को। यार पागल हो रहे हैं यार आजकल के बालक, ने क्या बताऊं यार मैं। इस रश्मि का कुछ तो करना पड़ेगा। लगे बेटा आज कोई पकड़ लियो, दिखे मेरे होते हुए, कहा जवाब दूंगा प्रिंसिपल है। बेटा जवाब बाद में दू, पहले देखू कौन है। जल्दी बताओ कौन है, जल्दी बता किसने आवाज निकाली है। छोरी एक बात बता, 2 दिन स्कूल आए ना हुए, स्कूल अदर उठा दिए हैं तू जाने मो, ऐसा पकड़ूंगा नीचे पैक के मारूंगा, कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आ रही है, वहां नू बैठी रहेगी ना करती रहेगी। अरे सर क्या दिक्कत है? सर सर अरे घर जाऊं तो सर, उल्टा हूं तो सर, सर सर करता रहे कभी, मैडम भी कह दे कर। मतलब बात में तो क्या बात है सर, वो आवाज मैं निकाल रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। वाह बहुत बढ़िया, पागल हूं ना, यहां पागल लिख रहा हूं मेरे मुंह पे, लड़का लड़की की आवाज मैं कहां पहचान सकूं, मुंह पे थोड़ी पहचानी जाएगी। सर मुझे लड़की की आवाज निकालनी भी आती है। ओ वेरी टैलेंटेड भाई, इस पे लड़की की आवाज निकालनी आती है, चल निकाल। मतलब मेरे को आती है पर इस टाइम मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरा मूड नहीं है, जब मेरा मूड होगा ना तब निकालूंगा। ओहो मूड नहीं है, चल तेरा मूड बनवा देता हूँ, एक काम करते हैं हुक्का पिलवा देता हूँ, आंच से लगवा देता हूँ, है सुन ले भाई, लड़के का मूड नहीं है, मूड बनवा दे, जैसे तू रात को मेरा मूड बनवाता है वैसे अब इसका बनवा दे, चल 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 चल। सर वो मेरी आवाज थी, मैं ही शोर मचा रही थी। हम तो पहले ही कह रहे हम तो अच्छे अच्छे पंगवा दे। सर झूठ बोल रही है, वो आवाज मैं निकाल रहा था। सर नहीं ये झूठ बोल रहा है, वो मेरी ही आवाज थी। यार झूठ बोल रही है सर, मेरी आवाज थी, मैं निकाल रहा था आवाज है। सर वो मेरी आवाज थी, ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ना। तू पागल है क्या, क्यों झूठ बोल रही है? सर ये झूठ बोल रहा है, वो मेरी ही आवाज थी, आप भाई मेरी सुनो। अरे सर मैं था, मेरी थी। अरे मैं था यार, बस भाई तुमने ना करी, मैंने करी है, बाल को मैंने आवाज करी है, मैं निकाल के दिखाऊं, हैं? सुन दोबारा और अच्छी निकालूं।
लगे आज मास्टर पेल दे दिखे। अरे भाई हमें तो कोई भी पेल सके है ना, हम तो प्राइवेट स्कूल में काम जॉब करें, कोई भी पेल दो हमें तो है, प्रिंसिपल भी पेल दे, तुम भी पेल दो है, हमारी मेहनत तो कहीं ना दिख रही, पेलने पे लगे रहो तुम। यार मेरे को एक चीज बता, तू इतनी सुंदर है, इतने बढ़िया स्कूल से आ रखी, इतनी प्यारी सी है, तेरे बाल भी अच्छे, तेरे बालों में जू नहीं है, तो मतलब कि तू बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती यार? यार तुझे क्या लगता है, वो ज्यादा सुंदर है या मैं? अरे तू ज्यादा सुतरी है। अबे मैं इधर हूँ। अरे बताई तो तू ज्यादा सुतरी है। अरे कहाँ बग्गी, चुम्मा तो दे जा एक। देखे बानी कुछ बात। अबे तेर से मोटा तो मेरा है बेटा, जब तू तो जिम जाता है ना तो सिर्फ मशीने लाकर, वरना ऐसे तो बनने से रही तेरी बॉडी। मतलब तो तू खुद समझदार है। हेलो गाइस, क्या है वो? यार मुझे ना तुम लोगों से एक हेल्प चाहिए थी। हम क्यों करेंगे तेरी हेल्प, जाके उसे अपने समीर से मांगना। यार तुम लोग मेरी बातों को कभी सीरियस क्यों नहीं लेते हो? अबे लेने तो लग रहे हो सीरियस, क्या बात होगी बता। यार वो मैं ना अलवीर से, यार तेरी बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर हम ना कर सके, कुछ हेल्प ना कर सके, जा निकल जा, सीधे निकल जा, चल। यार मैं तुम लोगों की दोस्त नहीं हूँ क्या? देख यार दोस्त तो है, पर बदले में तेरे को एक बीड़ी का बंडा दुआना पड़ेगा, लिम फिल्टर की एकदम, जो फेफड़े गला दे मेरी कसम है। तुम बीड़ी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें छोटे एडवांस की डब्बी दिलवा दूंगी। करना पड़ेगा भाई अब तो। तू चल ठीक कर क्या। वैसे यार कभी तू बॉयफ्रेंड बनाने की सोचे ना तो मेरे को जरूर कंसीडर कर लियो। चीता। हाँ तो मैं क्या कह रहा था यार, बॉयफ्रेंड का पता है क्या सीन होता है भाई? देखो इसको, क्या कह रहा था, एक आवाज मारोगे ना तभी आ जाऊंगा, दूसरी आवाज मारनी पड़ रही है। एलिस ब्रदर, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे लड़के आ रखे, एक बार इनसे मिलके आता हूँ ठीक है। क्या है भाई? देख जो मैं बात तेरे को बोलने वाला हूँ ना अभी, उसको बड़े कान खोल के सुनियो, दिमाग से सुनियो। अच्छा जी, तुम्हारी बात भी ध्यान से सुननी पड़ेगी क्या मुझे, सुना दो। भाई देख, आयुषी आई थी, भाई अगर ऐसी बात है ना तो उसको बोलना ये सारी बात ना मेरे से खुद आके कहे, ऐसे बिचौलिया भेजने की जरूरत नहीं है ठीक है। चले जाओ, जाओ चलिए। सिगरेट की डब्बी। उसने क्या कहा? पहले डब्बी तो दे दे। पहले ही बताओ उसने क्या कहा। यार देख वो तो ये कह रहा है कि बिचौलिया को कर दो साइड और सीधा पार्टी से बात कर लो। अब देख यार हम तो है नहीं बीच में, और हमको तो ये भी लग रहा है कि उधर से 99.9999% सेट है यार, तो से सेट हो जाएगा, तू बात तो कर। और यार पहला प्यार तो आखिर पहला ही रहता है ना, तू जाके उससे बात कर, बाकी हम हैं तेरे साथ, और लाभ हमारी सिगरेट डब्बी दे दे। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे तो गोल्ड डिगर लिखड़ी भाई, इस पे वीडियो बनाएंगे यार। बोलना यार। अलीश, I'm really sorry. Sorry? किस बात की sorry? क्या बात होगी? यार मुझे ना रियलाइज हो गया है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अच्छा तेरे को रियलाइज हो गया कि तू मेरे से प्यार करती है, और समीर का क्या हुआ? समीर, उसे तो मैंने छोड़ दिया। तुम्हें पता है एक चीज ना, मुझे पहले से ही पता थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो आज खुल गई है। अच्छा तेरी आंखों की पट्टी आज खुल गई है, कांग्रेचुलेशंस यार। यार आयुषी पता है तुम लड़कियों की दिक्कत क्या होती है, जब तुम्हारी लाइफ में हम होते हैं ना तब तुम्हें बिल्कुल वैल्यू नहीं होती, पर जैसे ही हमारी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आता है तुमसे ज्यादा वैल्यू देने लगता है, तुम्हें सडनली रियलाइज हो जाता है कि अरे अरे मेरे को तो बहुत पसंद था उसकी लाइफ में, मेरे को वापस जाना है। तूने मेरे को खिलौना समझ रखा है क्या यार, कि कभी बाहर जाएगी, कभी अंदर आएगी, कभी तोड़ देगी, कभी जोड़ लेगी, हैं? क्या समझ रखा तूने मेरे को? हालांकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तेरे को क्या ही बोलूं, मन तो मेरा भी है कि जिसको मैं पसंद करता हूं उसको जाके बोल दूं, पर तो बता देना, मैं तो कब से वेट कर रही हूं। आई लव यू टू। सांसें
से क्यों मैं जानू ये ना, आंखें नम ये मेरी हुई है तेरे जाने से क्यों मैं जानू। सो गाइस फाइनली ये सीरीज यहाँ पे खत्म हुई। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई इस पे ना रिकॉर्ड लाइक्स कर दो मेरे चैनल के, पता नहीं शायद 1 मिलियन प्लस है वैसे बोल रहा हूँ मैं कि 1 मिलियन प्लस कर दो, मर्जी है तुम्हारी कि कितने 400, 500, 600 जितना तुम्हारा दिल करे उतना कर देना। अपना फेवरेट पार्ट पूरी सीरीज का कमेंट करके बताना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लॉकडाउन लग चुका तो भाई अब थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप लोग भी सावधानी बरतो, मैं भी उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा घर के अंदर या फिर देख लेंगे मतलब कहीं गली मोहल्ले में। तो भाई अपना भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसको भी और मेरे दूसरे रोस्ट वाले चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।